किशनगंज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए, जिससे नगर परिषद का कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा किसी को भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिससे कई लोग बिना काम करवाए ही बैरंग वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नगर परिषद किशनगंज के द्वारा रामपुर से लेकर फेरिंग गोला तक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सरकारी जमीन, सड़क किनारे NH-27 सर्विस रोड, रेलवे लाइन और ओवरब्रिज के नीचे अवैध रूप से दुकानें और अन्य संरचना लगाने पर अतिक्रमण करने वालों को 16 मार्च तक जगह को खाली करने का नोटिस दिया गया था। रोड नाला पर जहाँ तहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, माननीय जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। के अंदर डी मार्केट, फल चौक, चूड़ी पट्टी, पश्चिम पाली, धर्मगंज, केल्टेक चौक, पूरे बाजार में 24 घंटा जाम रहता है। रोड के ऊपर दुकानदार दुकान लगा के रखे हुआ है, वो जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है और गरीबों का झोपड़ी नहीं आ रहा है। मेरा ससुर का बाप दादा सबको गुजर गया यहाँ, इसीलिए करते हैं कि मेरा घर द्वार यहाँ छोड़ रहा है, हम लोग कहाँ जाएं बाल बच्चा लेकर। यही हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग का यही जगह चाहिए सरकारी जमीन में, का यहीं पर गुजर गया सरकार की हर जगह में, और हम लोग को चाहिए क्या सरकार की हर जगह। हम लोग बहुत अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को उजाड़ने से पहले सरकार हम लोग को कहीं पर भी जगह दे और हम लोग को बसा दे, तब फिर हम लोग का घर उजाड़े। कहे हम लोग गरीब आदमी जाएंगे तो जाएंगे कहा, हम मुसामात एक औरत हैं, किसी का बेटा नहीं है, किसी का ससुर नहीं है, किसी का घर द्वार से बेघर द्वार है, हम लोग का घर द्वार नहीं है, तब ना हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग ना पैसा वाला है, ना हम लोग जिम्मेदार है। हम लोग ये है कि रेलवे डिपार्टमेंट और NHAI डिपार्टमेंट पर जो लोग अतिक्रमण करके बसे हुए हैं, तो रेलवे और NHAI और बिहार सरकार का जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का आदेश जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा किया गया है, जो सूचना है। तो ये लोग अपना धरना दे रहे हैं, जबकि नगर परिषद से